एंड वेलकम टू ब्रेक डाउन हिंदी. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इरफान जुनेजो के वीडियो पर जिसका नाम है 96 आवर्स इन टर्की. सो जिन्हें पता नहीं होगा उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि कंट्री इज माय फेवरेट, टर्की इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्रीज. मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है जो टर्की है. या एंड दे हैव अ मिक्स ऑफ एशिया एंड यूरोप का कल्चर. यस, इन एवरी वे. इवन उनका आर्किटेक्चर भी मुझे वैसा लगता है. सो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज और वन ऑफ आवर फेवरेट व्लॉगर्स कवर कर रहे हैं. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है. लेट्स एंजॉय. अकेला नहीं है. This is 96 hours in Turkey. अगर तुम्हारे पास टर्की में 96 आवर्स हो तो तुम क्या करोगे? मैं बताता हूँ मैं क्या कर, हम क्या करेंगे. हमजा भी है मेरे साथ. स्टेप वन लुक लेट, स्टेप टू फ्यूरर के साथ स्वैग इज परमानेंट वाला लेट. अब इतने सारे कपड़े कौन से हैं? सब ले ले सब. डन. सीन्स एयरलाइन KM25 रवानगी के लिए तैयार है. टर्की की सबसे पहली फ्लाइट बुक करो और दोस्त बाद में विंडो सीट पहले, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है बाबू. हमेशा वो फ्लाइट लेना जो सभी अगोचिन एयरपोर्ट पे लैंड होती है, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज चीपर. यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट, आई मीन आई डोंट माइंड. लाइफ अपडेट, हम लोग सभी एयरपोर्ट उतरे थे, वहाँ से तकसीम उसका एक घंटा और दूर है, तो हम अभी एक घंटा और बस में बैठे. होटल हमेशा बियोलू एरिया में लेना, ताकि मेट्रो स्टेशन और टोपाने ट्राम स्टेशन के पास. ज़रूरी है बिकॉज इस्तांबुल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. अगर आप फिर भी टैक्सी यूज़ कर रहे हैं तो आप कर लें, आपकी मर्जी. इधर जाना है या इधर जाना है? सीधा जाना. टोपाने ट्राम स्टेशन से ट्राम लेके पहुंचो सुल्तान अहमद, 5 स्टॉप्स आगे. ब्लू मॉस्क, ये है ब्लू मॉस्क. नए दिन नए कपड़े और नई जगह और वही अपना पुराना दोस्त. तो आए आपको जरा ब्लू मॉस्क दिखाते हैं. वेलकम टू द ब्लू मॉस्क. मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ लेकिन हर दफ़ा ये जगह उतनी ही खूबसूरत लगती है. अगर आप यहाँ आए तो टूरिस्ट का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से हर मज़हब हर मुल्क के लोग आते हैं. और हाँ, किसी की तस्वीर फोटो बॉम्ब मत करना. और अब यहाँ आ ही गए तो बताओ, कभी 125 रुपए का भुट्टा खाया है? इस दफ़ा भुट्टा नहीं खा रहा भाई मैं. 125 रुपए का भुट्टा हो गया महंगाई, लेकिन हम ये डबल रोटी पे नुटेला लगा के खा रहे हैं. सीमेंट खा रहे हैं, सीमेंट सीमेंट बोरियां भी खाएंगे. सीमेंट सीमेंट खाने के बाद जाओ टोपकापी पैलेस, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर. यार देखो, जरूरी तो है लेकिन टोपकापी में मेन जगह पे शूट करने नहीं देते, फोन से भी नहीं करने देते. मर्जी है, बगैर फोन के जाना. और फिर 60 लीरास दे के आया सोफिया. 1500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर पहले बाइजेंटाइन कैथीड्रल था, फिर कैथलिक कैथीड्रल, फिर ऑर्थोडॉक्स कैथीड्रल, फिर मस्जिद, और अब ये म्यूजियम है. और इस्तांबुल आए और आया सोफिया नहीं गए तो इस्तांबुल आए क्यों, ये बताओ. वापस पकड़ो ट्राम सुल्तान अहमद से ग्रैंड बाजार. अगर आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है लेकिन आपका दिल नहीं है गिफ्ट लेने का, तो आप उनके लिए यहाँ से गिफ्ट ले सकते हैं. तो मुनीम भाई, आपको क्या चाहिए? जो आपने मंगाया था वो हम सॉरी ला नहीं सकते, लेकिन हम देखेंगे आपके लिए कुछ बम्बू चीज लाएंगे यहाँ से. तो बस फिर ग्रैंड बाजार से निकलो और पहुंचो गलाटा ब्रिज. वैसे गलाटा ब्रिज जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको तस्वीरें खींचनी है, लाइक्स वाइक्स चाहिए, तो बेस्ट जगह है. हम भी यही करना है. वेलकम टू गलाटा ब्रिज. और आप गलाटा ब्रिज पे मछलियां भी पकड़ सकते हैं इफ दैट्स समथिंग यू आर इनटू, या फिर हीरो लग सकते हैं इफ दैट्स समथिंग यू कैन पुल ऑफ. अब इस लड़के को ही देख लें, इसे पता है कि इसके कैमरे पे जूम लेंस लगी है और इसके कैमरे पे माइक भी नहीं है, लेकिन आप एक्सप्रेशंस देखें, व्हाट अ नेचुरल एक्टर. गलाटा ब्रिज से जाओ एमिनोनू स्टेशन और फेरी पकड़ के पहुंचो उस्कुदार, विच इज इन एशिया, जस्ट लाइक हाफ ऑफ इस्तांबुल. आपको टर्की दिखाते दिखाते बारिश हो गई है और सर्दी बढ़ गई है, लेकिन आपका ऋतिक रोशन है अमीषा पटेल के साथ आपको दिखाने के लिए. या तो यू कैन टेक दिस फेरी और हैव डिनर ऑन बॉस्फोरस क्रूज, योर कॉल. यार खुद डिसाइड कर लो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या रात को बेली डांस देखना है. बेली डांस देखना है भाई, बेली डांस देखना है.
यार हम जरा एशिया आए थे, घर वालों की याद आ रही थी, अब वापस यूरोप जा रहे हैं। और फिर उसको दार से मरमरा एक्सप्रेस पकड़ के वापस एमिनोनो यूरोप की तरफ। हम लोग उसको दार आ गए और उसको दार से वापस एमिनोनो जा रहे हैं। उसको दार आए थे ऊपर से, अब एमिनोनो जाएंगे नीचे से, बस मरमरा एक्सप्रेस आ जाए। और इफ़ यू प्लान इट राइट तो गलाटा टार तुम्हारे होटल के रास्ते में ही पड़ेगा, तो वो भी देख लो। बस ये गलाटा टावर है, अगर आपको ऊपर जाके देखना है तो देख लो, वरना मैं दिखा देता हूँ। मैं कब काम आऊँ? टावर है, टावर है, टावर है, टावर है, टावर है भाई। ऐसा लगता है गलाटा टावर से भी ये आप देख लीजिएगा गलाटा टावर पे जाके। होटल ऐसा नहीं है ना, वो पीछे ब्लू मास्क। थोड़ी सी नैप लेने के बाद और डिनर करने के बाद हमजा को तकसीम स्क्वायर दिखाना है और इस्तेक्लाल स्ट्रीट दिखानी है। ये हमारे प्लान में था कि हम तकसीम स्क्वायर आएंगे, ये हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था कि बारिश हो रही होगी, हाथ अकड़ जाएंगे। और स्टाइल भी ज़रूरी है, सर्दी लगेगी लेकिन स्लीव्स ऊपर होंगी, स्लीव्स ऊपर रहेंगे। This is Taksim Square, the heart of modern Istanbul. इधर सारे पैसे वाइब के हैं। मैं तो हर दिसंबर डर के आता हूँ भाई, मुझे सर्दी अब कम लगती है, लेकिन हमारे लड़के ने इंतजाम कर लिया अपना। मैंने इसलिए पहना था कि फैंस ना नोट कर लिया। मैंने पता नहीं है टर्की में कितने फैंस हैं मेरे। तक्सिम स्क्वायर के साथ ही इस्तकलाल शॉपिंग स्ट्रीट, और वहाँ तुम अपना आइसक्रीम छिनवाने का शौक भी पूरा कर सकते हो। सबसे ज़्यादा सर्दी की डर है, मुझे बीमार होना, मुझे बीमार होना है। सुबह सवेरे निकलो बुरसा के लिए, पहले खाओ पेट भर के खाना और फिर -12 डिग्री की हवा। मैं और हमजा जा रहे हैं भाई अपनी स्नो मोबाइल पे। हमजा भाई तो पैक है, मैं वापस आऊँ ना नहीं आऊँ पता नहीं। अम्मी आई लव यू। लोगों ने स्नो मोबाइल कर ली, बड़ा मजा आया। लेकिन कभी आपने ठंडी में ठंडी मारी है? हमने वो भी मारी है। से गलती हो गई, मेरी ज़बान टूट गई, मैंने बोला मुझे बुरसा जाना है, से गलती हो गई, मुझे वापस ले चलो, धोखा हो गया ये हमसे। वापसी के रास्ते में बस दुआ करो कि स्नो में शूट करने के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सलामत रहे, जैसे मैं हमजा से माइक टेस्ट करवा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी नकली छोटे बगल में मत आना, इधर पंटारी पंटर है, पंटारी पंटर। और अगली सुबह जाओ डेनीज ली, अकेले जाके क्या करोगे, एक दोस्त भी साथ उठा लेना, और दोस्त का भी दिल है और हर दिल में विंडो सीट की चाहत। डेनीज ली से जाओ बाय रोड पामुकाले, नाम थोड़ा मुश्किल है आई नो, आदत हो जाएगी। हम लोग पामुकाले आ गए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ भी 0 डिग्री होगा इस्तांबुल की तरह। अभी हमें जाना है पामुकाले देखने के लिए, हमारे भाई तैयार हैं, तुर्की बादशाह ने बन गए हैं। आपका आज का टूर गाइड हमजा इब्राहिम आपकी खिदमत में हाज़िर है, और हम लोग अभी आए हैं पामुकाले, आर फर्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे मेरी मर्जी मेली पामुकाले। मैं अकेला नहीं हूँ, ये दो लोग भी हैं, दिस इज टूर गाइड इरफान जी ने, जो ये दोनों एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं उसको समझ आ रहा है, इसको समझ आ रहा है, पर सुनकर अच्छा लग रहा है। पामुकाले में सबसे पहले जाओ रेड स्प्रिंग देखने, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पानी गर्म है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन भाई आपको इंग्लिश में समझाएंगे। नो लेग्स, इफ यू वांट लेग्स यू कैन स्टे हियर, यू गो देयर, ही सेड नो लेग्स। हमारे टूर गाइड ने बताया कि ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा, अगर आपके अंदरूनी कोई मसाइल है ना तो आप ये पियेंगे फ्रेश हो जाएंगे, इसमें आयरन कुछ है, अब आयरन ही हो मरकरी ना हो फिर हम तो पियेंगे। और कुदरती शक्ति वाला पानी पीने के बाद जाओ हियरापोलिस, एक 2000 साल पुराने शहर के खंडरात, जिसकी वजह से पामुकाले आज भी मशहूर है। ये 2000 साल पुराना एम्फी थिएटर है, और जस्ट इमेजिन
कि 2000 साल पहले भी आर्ट्स और कल्चर को इतना प्रमोट किया जाता था। पूरी बिल्डिंग बनाई है सिर्फ इसलिए कि वहाँ से एक बंदा आए, उसके हाथ में कैमरा, तो बोले मेरा नाम इरफान है, मैं आया था इधर टर्की की तरफ, कैमरा घुमाए और यहाँ पे सब लोग बोल रहे हो कुछ ऐसे है। और इस एम्फी थिएटर के पास ही है सफ़ेद पहाड़ों में वो ब्लू पूल्स जो आपको पामुकाले की हर गूगल सर्च पे नजर आएंगे। बस पे पैकिंग करो और ओवरनाइट बस लेके जाओ कैपेडोकिया, द केव सिटी ऑफ टर्की एंड द लास्ट सिटी इन आवर 4-day ट्रिप। थैंक यू फ्यूरियर फॉर मेकिंग दिस ट्रिप एंड मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। 4 दिन में टर्की दिखाना वाज डिफिकल्ट बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आई बीन टू टर्की थ्राइस नाउ एंड इस्तांबुल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ज़रूरी नहीं है लेकिन दोबारा आने में कोई हर्ज भी नहीं है। जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आप लोगों को तो पता ही है इरफान पसंद है, हमजा भी था इसमें। हमजा काफी रॉ पर्सन नहीं है क्या? लाइक अभी तक उसको आदत नहीं हुई कि वो फेमस हो गया एंड स्टिल एकदम दैट इज द परफेक्ट स्टेज ना, मतलब ही इज वेरी फनी, ही इज रिलेटेबल। हाँ, नॉर्मल पीपल के लिए रिलेट करना बहुत इजी हो जाता बट स्टिल इरफान भी, इरफान का ह्यूमर मुझे सारे ब्लॉगर्स में सबसे पसंद है। ह्यूमर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कौन सा ब्लॉगर बेटर है बट ह्यूमर के मैं खुद की मजाक खुद का मजाक हमेशा उड़ाता रहता है। थैंक यू फॉर दैट। और मुझे खुद का मजाक उड़ाना नहीं पड़ता क्योंकि ये है इधर बाजू में, हमेशा मजाक उड़ाती रहती है। मुझे क्या लगा पता है आज का ब्लॉग देखकर कि मुझे ना कुछ कुछ जगह जो बहुत ही ब्यूटीफुल है उधर खुद नहीं जाना। आई विल रादर लाइक इरफान टू गो एंड ब्लॉग इट। सीरियसली? या मे बी बिकॉज स्नो में नहीं जाना। नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा बड़ा थिएटर में मैं ये सारे ब्लॉग्स देखूं, दैट वुड बी मोर एपिक फन, या एपिक देन एक्चुअली गोइंग देयर। इतना अच्छा लगा मुझे आज। या स्टिल मुझे अभी भी याद है कि उसके स्टार्टिंग के ब्लॉग्स जो भी देखे ना वो एक्स्ट्रा स्पेशल थे। यस, क्योंकि वो जगह भी वैसे थी, नेचुरल प्लेसेस थे, बहुत प्रिस्टीन प्लेसेस थे। और आज का लेकिन टर्की से एक्सपेक्टेड भी था कि ब्यूटीफुल होगा। लाइक पाकिस्तान हम लोग ने जब स्टार्ट किया था हम लोग के लिए बहुत ही एक शॉक फैक्टर था कि हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हुआ, तो शायद इसलिए मुझे इतना खास लगता है वो। अभी क्या, अभी पाकिस्तान से भी वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेड है तो आई डोंट थिंक अभी सेम इफेक्ट होगा जो पहले हुआ था। वेरी ग्रेट वीडियो, ऐसा नहीं बोल रहा कि वीडियो मजा नहीं, नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो शॉक फैक्टर की बात करो क्योंकि टर्की में एज यू नो इसको तो ऑलरेडी पसंद है, तो आई वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छा होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कराची जैसा एरिया, जो कराची मैंने देखा हुआ है इंडिया से बहुत अलग नहीं दिखता कराची, लेकिन नॉर्दर्न जो एरियाज देखे उसके बाद बहुत ही शॉक था। और वो हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट इरफान का ह्यूमर इसमें भी है, हमजा भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट अच्छा करता है। That's the thing, कि खुद जाकर हम लोग तो इतने अच्छे जोक्स कभी बना नहीं सकते, so it is better to see। और हमका कैमरा ऐसा शेक कर रहेंगे, बहुत ठंडी लग रही है। हम लोगों को तो बहुत ठंडी लगती है, it is impossible। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्नो है, बात करने में मुश्किल है, इसलिए हम लोग नहीं करने वाले बात। इसलिए कोई स्पॉन्सर भी नहीं करता, टर्की जाके आओ लोग को दिखा दो। हमें तो अपने घर पे बैठने के लिए भी कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मतलब बैठो कोई स्पॉन्सरशिप ले लो ऐसा भी कुछ नहीं है। इट्स ओके, वी डोंट माइंड। क्यों देगा, लेकिन हम लोग उसकी तरह एक तो मिला ना हमें। या लेकिन टर्की जाने जैसा पैसा नहीं है वो।
इधर बाहर रास्ते से खाने खाने जैसा वैसे but something is better than nothing and we are grateful. Yes, खाना तो खाने मिल रहा है. Yes. But amazing, amazing, Irfan, Muru, दोनों. हमजा भी. हमजा अभी तक मैं इतना attached नहीं हूँ. Yes, but funny है वो. Yes. Relatable है. लेकिन. And उसकी एक अलग ही अपनी way है. हाँ वो बहुत ही कम बनाता है videos. Yeah. तो आई थिंक वी शुड चेक इट आउट क्योंकि मुझे ज़रूर ये है कि अभी तक उतना अटैचमेंट हुआ नहीं क्योंकि बहुत वीडियोस नहीं देखे. आई थिंक अगर उसके और वीडियोस देखेंगे तो वो भी चॉइस ज़्यादा नहीं है हमारे पास सिर्फ 3 ही अवेलेबल है. नहीं अभी और भी है ना शायद. हाँ स्टिल लेकिन उसके पास 10 वीडियोस भी एक डाउटफुल है. सो इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, फनी है, ग्रेट वीडियो ओवरऑल. हैड लॉट्स ऑफ फन. और हम लोग बहुत देर कुछ और ही बात कर रहे थे. नॉर्थन पाकिस्तान ज़्यादा सरप्राइजिंग था. ठंडी लगती थी हम अगर टर्की जाते तो, और हमें शूट करने नहीं होता, हमें इसलिए स्पॉन्सरशिप भी कोई देता नहीं है. श्योर हम लोग, आप लोग देख रहे भी क्यों थे एंडिंग तक, आपका ही गलती है, सब आपका गलती है. पूरा एंडिंग तक देखा वीडियो और आपने, आपको पछतावा होना चाहिए. That's it for this video. See you next time. Bye-bye.